हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में। दोस्तों, IRFC से रिलेटेड अभी के टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेलवे का ट्रेंड क्या है। रेलवे का ट्रेंड जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये भी कंपनी रेलवे को फाइनेंस ही कर रही है अभी के टाइम। यहाँ पे Q1 के रिजल्ट्स का टाइम चल रहा है, सभी कंपनियाँ धीरे धीरे करके अपने Q1 के रिजल्ट्स पब्लिश कर रही है। इसी बीच यहाँ पे IRFC ने भी रिजल्ट्स आने हैं कंपनी के, कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक रेलवे की ऑलमोस्ट 5 से 6 कंपनियाँ रिजल्ट्स पब्लिश कर चुकी है। अब उनका जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेंड रहा है रिजल्ट्स पे। तो क्या IRFC के रिजल्ट्स पे भी नेगेटिव ट्रेंड रह सकता है, मतलब क्या रिजल्ट्स यहाँ पे नेगेटिव आ सकते हैं, तो वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी के टाइम मेरा आगे इसमें क्या व्यू रहेगा वो भी आपके सामने शेयर करूंगा, कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी के टाइम आप चाहे मानो या ना मानो, मार्केट भी प्रेशर में है, PSU स्टॉक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर में। एंड ये चीज़ मैं आपको लास्ट कंटिन्यू 1 महीने से बता रहा हूँ। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर लास्ट अगर 5 डेज़ की बात की जाए तो IRFC में 3% की गिरावट हुई है। कल स्टॉक भागा था 3%, बट उसमें से आज 1% अगेन गिर चुका है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो 10% गिरा है। 1 ईयर में अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं, मैक्सिमम में अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं, 630% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। तो अभी का जो दोस्तों टाइम है वो कहीं ना कहीं जो रिटर्न मिला है उसको बुक करने का टाइम है। जब फ्रेश एंट्री का टाइम होगा तो वो भी यहाँ पर आपको मैं अपडेट दे दूँगा। सबसे पहले आज का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टॉक आपका ओपन होता है 182 रुपीज़ पे, 180 रुपीज़ तक का लो लगाता है, 184 रुपीज़ तक का हाई भी लगाता है। स्टॉक में ऑलमोस्ट जो है कि 1.5% की ऐसी मॉर्निंग के टाइम हमें तेज़ी भी दिखती है। एंड मैं आपको कंटिन्यू ये एक बात बोल रखा हूँ कि 1 से 2% 3% की तेज़ी के पीछे हमें नहीं भागना है। वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों वॉल्यूम्स की, आज हमें वॉल्यूम्स 3 करोड़ 80 लाख की वॉल्यूम नज़र आई है, 691 करोड़ के वैल्यू के शेयर ट्रेड होते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि स्टॉक में डिलीवरी बिल्कुल नहीं उठाई जा रही है। कल स्टॉक आपका 3% भागा, कल रेलवे के सभी स्टॉक्स भागे, बट कल के दिन डिलीवरी बहुत कम थी। हर स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में 25% से ऊपर की डिलीवरी नहीं थी। स्टॉक तो भागे थे बट डिलीवरी बहुत कम थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम लोगों ने जो प्रॉफिट है वो कल ही बुक कर लिया। कल जो 4-5% 6% जो भी आपके स्टॉक्स भागे थे उनमें क्या हुआ कि लोगों ने कल डिप में बाई किया। एंड अगेन जब मार्केट क्लोज हुआ 5-6% के आसपास शेयर तेजी में थे, वहाँ पे उन्होंने कल इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक किया। लोग यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, तो ये बात अभी के टाइम आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आज का डेटा ठीक है, वॉल्यूम ठीक है और वैल्यू ट्रेड्स वैल्यू भी ठीक है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी कितनी है, 21% क्वांटिटी ही डिलीवर हुई है। बहुत कम लोग हैं, मतलब कि मान लो 100 शेयर का अगर ट्रेडिंग हुआ है तो उसमें से 20 शेयर ही लोगों ने कल के लिए होल्ड किए, 80 शेयर लोगों ने आज ही बाई करके आज ही बेच दिए। देखिए दोस्तों अभी के टाइम जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, क्योंकि कंटिन्यू जब स्टॉक भागेंगे तो वो थोड़ा बहुत रुकेंगे भी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी IRFC के रिजल्ट्स आने वाले, तो रिजल्ट से पहले अगर मैं कुछ रेलवे स्टॉक्स के रिजल्ट्स की बात करूँ तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, जैसे टीटागढ़ है। अब टीटागढ़ में हमें ये देखने को मिला कि हर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। कंपनी का रेवेन्यू एक समय में 300 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते हर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, शेयर भी आपका भागता रहा और अभी के टाइम यहाँ पर 1050 करोड़ हाईएस्ट लेवल पे कंपनी का रेवेन्यू पहुँचा। बट अभी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ड्रॉप हुआ, ईयर ऑन ईयर भी ड्रॉप हुआ है। तो जो कंपनी को वैल्यू दी जा रही थी कि हाँ भाई इस बार भी रिजल्ट अच्छा आएगा, एंड रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो वो वैल्यू अगेन ली जा रही है कंपनी से। वही अगर मैं बात करूँ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं दिखा पाया। तो मतलब रेलवे के जो रिजल्ट्स है, टीटागढ़ की बात की जाए तो रिजल्ट्स हमें थोड़े बहुत वीक देखने को मिले। अगला स्टॉक है दोस्तों जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन के भी हमें रिजल्ट्स जो है वो नज़र आए। जुपिटर वैगन में क्या हुआ, वही सेम चीज़, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बेटर था, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहा था, कंटिन्यू रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा था। तो मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था कि 1200 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हुआ। एंड उसी बेसिस पे यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेटर है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हुआ। तो ये एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। राइट्स के फिर हमें रिजल्ट्स देखने को मिले। राइट्स में क्या हुआ कि ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का रेवेन्यू गिरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का रेवेन्यू गिरा। तो ये हमें क्या नज़र आया, एक नेगेटिव पॉइंट था। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का प्रॉफिट गिरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट गिरा। तो हमें क्या देखना है कि रेलवे के जो ट्रेंड्स है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं रिजल्ट्स बेसिस पे। एंड अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेलटेल की,
रेलटेल में क्या हुआ कि कंटिन्यू कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से इंक्रीज होता गया, हर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। आप ध्यान से देखेंगे तो हर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू आपके बढ़ते हुए देखने को मिला। मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था कि इस बार भी बढ़ेगा, बट इस बार क्यू एंड क्यू बेटर है, बट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेटर है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हो गया। प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हो गया। रेलवे से मार्केट एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेटर आएगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। RVNL के रिसेंटली हमें रिजल्ट्स देखने को मिले, ईयर ऑन ईयर भी ड्रॉप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ड्रॉप हुआ है, एंड स्टॉक का प्राइस भी ड्रॉप हुआ है। तो उसी बेसिस पे कहीं ना कहीं अगर इन कंपनियों के रिजल्ट्स थोड़े से वीक आ रहे हैं तो चांसेस ये भी है कि आपका जो ये IRFC कंपनी है इसके भी रिजल्ट्स वीक आ सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर में हो सकता है। क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों यहाँ पे एक तो चीज़ क्या है कि इसमें OFS का भी प्रेशर है, बाकी स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़े जंप दिखा चुके हैं। PE रेशियो कंपनी का 36 का हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, करंट प्राइस 181 का है। स्टॉक में स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके कम हो रही है। ROC ROE जो है वो नॉर्मली ठीक है। NOC के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे लास्ट चार क्वार्टर से एक जगह पे रुका हुआ है, 6,600 करोड़ से लास्ट चार क्वार्टर से एक जगह पे रुका हुआ है। तो इस बार यहाँ पे कंपनी को 6,800 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू दिखाना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा माना जाएगा, पर 6,800 करोड़ से नीचे आता है तो एक नेगेटिव माना जाएगा। वही अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी को यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1,700 करोड़ से ऊपर का कंपनी को प्रॉफिट दिखाना होगा। अगर इससे नीचे होता है तो एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अभी जिस प्रकार से रेलवे के सभी स्टॉक्स के रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं तो IRFC के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो सकता है। बाकी कंपनी के 12 अगस्त को कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स आएंगे मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो चीज़ ये है कि अभी के टाइम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक तो जंप कर रहे हैं बट वॉल्यूम्स यहाँ पे कम हो रही है। ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यू लगातार बोलते आ रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए प्रेशर किस चीज़ का है कि FIs वाले जो है वो कंटिन्यू सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट से, तो जिस दिन DI वालों ने थोड़ा सा भी बेचा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी के टाइम अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो IRFC में यहाँ पर मैंने आपको एक लेवल्स बताए थे दो इंपॉर्टेंट, कि IRFC बुलिश कब होगा, एक रेंज बताई थी मैंने आपको, 182 का सबसे बड़ा सपोर्ट मैंने आपको बताया था, 199 का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जब तेजी आई थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आप OFS का वेट करते रहना, हम तो यहाँ पे पैसा बनाएंगे, 250 का टारगेट लेके बैठे। बट अभी के टाइम आप देख सकते हो वो ओनली फॉर क्या था, ट्रैप था। अब ट्रैप क्यों था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है ना वो आपका, एक बार कुछ लेवल्स दोस्तों एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिला कि स्टॉक जो है ना वो एक तो यहाँ पे जंप आया था, अब यहाँ पे ये जो जंप था ये था 6% का, एंड यहाँ पे ये जो जंप आया था ये था भी, ये था आपका 6% का, ये जो जंप है ये 6% का है, ये जो जंप है ये भी 6% का है। बट ये जो जंप है ना इसमें आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो बहुत बड़ी वॉल्यूम है, मतलब बायर्स ने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे एंट्री ली थी, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अपनी पोजीशन क्रिएट की। उसके बाद आप देख सकते हो कितना स्टॉक भागा, बट यहाँ पे आप देखिए तेजी है बट वॉल्यूम कम है, मतलब यहाँ पर तेजी तो आई है बट यहाँ पर बड़े प्लेयर्स एंट्री नहीं लिए हैं, यहाँ पे ओनली फॉर बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं, रिटेलर एंट्री ले रहे हैं। रिटेलर क्या सोच रहे हैं कि अगेन यहाँ से एक न्यू हाई जो है वो क्रिएट होगा। अभी के टाइम मेरे हिसाब से जो मेरा यहाँ पर व्यू ये है कि देखिए FI वाले जो है ना वो तो बाइंग कर नहीं रहे हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं कंटिन्यू। DI वाले जो है वो, उनका हाथ थोड़ा सा ढीला हो सकता है, जिस दिन उनका हाथ ढीला हुआ एक बड़ी डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकती है। अभी के टाइम ऐसा है कि DI वाले बेच नहीं सकते, क्यों, DI वाले स्टॉक को भगा रहे, रिटेलर ये सोच रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से एक न्यू हाई क्रिएट करेगा, ये तेजी है, जैसे कि यहाँ पे तेजी बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, जैसे यहाँ से बन सकती है और यहाँ से एक न्यू हाई लगाएगा। बट अभी के टाइम मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं DI वाले जो है वो अपने शेयर रिटेलर को दे रहे हैं। अभी के टाइम इम्पॉर्टेंट ये जोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो यहाँ पे टूट चुका है, रीटेस्टमेंट भी हुआ, अगेन सेलिंग आ रही है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है IRFC के लिए, 175 का लेवल टूटा तो 160 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी के टाइम बुलरन बुलिस कब होगा, ये स्टॉक बुलिस यहाँ पर अगर ये शेयर अभी 190 भी चला जाता है ना तो भी हम बुलिस नहीं मान सकते। बुलिस स्टॉक हम तभी मान सकते हैं जब ये 199 का लेवल तोड़े, मतलब 200 के जब ये ऊपर निकले तो हम इस स्टॉक को बुलिस मान सकते हैं, उससे पहले 190 तक भी चला जाता है तो भी ये बुलिस नहीं माना जा सकता। स्टॉक तो जंप किया बट वॉल्यूम्स यहाँ पे कम है। पहले अगर आप यहाँ पे चेक करते तो हमें क्या देखने को मिला
कि स्टॉक आपके भागते थे, वॉल्यूम्स अच्छे थे, गिरते थे, वॉल्यूम्स कम थे। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो हमें क्या दिखा, स्टॉक आपका भागा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉक गिरा बट वॉल्यूम कम था। मतलब रिटेलर यहाँ पे निकले, बड़े प्लेयर नहीं निकले, बड़े प्लेयर निकलते तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपका स्टॉक भागा, वॉल्यूम अच्छा था, स्टॉक गिरा, वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। यहाँ पे अभी के टाइम हमें क्या देखने को मिला, स्टॉक भागा, वॉल्यूम अच्छा था, स्टॉक गिरा, वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, स्टॉक भागा, वॉल्यूम अच्छा था, स्टॉक गिरा, वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे स्टॉक भागा, वॉल्यूम अच्छा था, स्टॉक भागा, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था। उसके बाद अभी के टाइम यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में हमें क्या नज़र आया कि स्टॉक जो है वो यहाँ पे एक सेलिंग दिखाता है, अगेन जंप करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला कि स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ एक तेज़ी बनती है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो तेज़ी हमें देखने को मिली, ये वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, स्टॉक्स में वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव सेंटिमेंट इस स्टॉक में दिख रहे हैं। और उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से 175 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेवल टूटता है तो ये सेलिंग थोड़ी हावी हो सकती है। बाकी मेरा व्यू यही है कि कोई बड़ी पोजिशन क्रिएट ना करें, 50% कैपिटल अपने हमेशा हाथ में रखिए। ये मेरा पर्सनली व्यू, आप चाहे तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।